संजीव जीवा हत्याकांड मामले में एसआईटी को जांच के लिए मिला और समय, अब सौंपनी होगी 22 जून को रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे कच्छ, आपदा प्रभावित इलाके का करेंगे दौरा। गुजरात के जूनागढ़ में दरगाह हटाने की नोटिस पर बवाल, एक की मौत, 174 लोग हिरासत में लिए गए, डीएसपी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। धामी सरकार का बड़ा फैसला, 6 महीने तक राज्य में हड़ताल पर लगाई रोक। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले व्हाइट हाउस के बाहर लहराया तिरंगा। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी ईडी की हिरासत में भेजे गए। कनाडा और अमेरिका में इंडियन हाई कमीशन पे हुए हमले की जांच करेगी एनआईए। पंजाब के फरीदकोट में आप विधायक गुरदीप सिंह के पायलट वाहन की मोटरसाइकिल से हुई टक्कर, 2 की मौत। रूस ने बेलारूस को परमाणु हथियारों का अपना पहला बैच भेजा, पुतिन ने की पुष्टि। तमिलनाडु बीजेपी के सचिव एस जी सूर्या को साइबर अपराध पुलिस ने किया गिरफ्तार।